नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएच न्यूज़, में आपके साथ बबलू किलोरिया। नीमच में एक किसान के साथ नकली पुलिस बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। एक बदमाश नकली पुलिस बनकर किसान के 1,00,000 रुपये ले उड़ा है। किसान से ठगी करते हुए बदमाश का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी अनुसार रतनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गुजालिया निवासी किसान शंभुलाल पिता गंगाराम मीणा नीमच मंडी में गेहूँ और रायड़ा बेचने आया था, जिसकी नीलामी होने के बाद किसान 1,42,543 रुपये मिले थे, जिसे थैले में रखकर किसान बस स्टैंड के लिए पैदल रवाना हुआ था। तभी चौकन्ना बालाजी के पास पहुंचा, जहां अज्ञात बाइक सवार बदमाश उसके पास आकर रुका और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए थाने ले जाने की धमकी दी। फिर किसान का थैला चेक किया और वहाँ से रफा दफा हो गया। जब किसान घर पहुंचा और बैग देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके बैग में से 500-500 की 2 गड्डियां गायब थी। इसके बाद किसान वापस नीमच पहुंचा और ठगी की शिकायत केंद्र थाने पर की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अरे तो अच्छी शंका थोड़ी होती गिरे सर बांगाजा बांग के अकेले तारी मा को ईशा था खेला में उन दे देते हैं और खेलों का आदमी छोकर में अरे हमारे एक कस पकड़िया हम आदमी को खेल लो हाल अरे आदमी का हाथ मारे छोड़ अरे एक कस कस है मार देख लो हाथ में कस कस है कहते जोड़ मत बोले है जो सब बात खेलो देख लो तो अरे वो देख ले तो याद है बता रहे हो बोल तो भी एक अब बदियो तो कचरे करो कुछ नंबर तो है दिखाई दी लिखे आ गया अरे हम आ गए तो कहते बस तू घूम गयो तो